डेली पर सिर्फ सीखने वास्ते आई हूँ, क्योंकि जिस जगह पर भी असं जुड़ने उतो कोई ना कोई सीख के आने हो। और इस महफिल में मेरे आने का मकसद जो है वही है कि मैं ये देखा कि असी अपनी माँ बोली जबान वास्ते के करने और किस हद तक असी अपनी जिंदगी तो इसका फायदा लिया अपने आप। अज की महफिल में जितने लोग भी शामिल हो तुम सारे उन्हें हथ लिया हुआ जिन्हें सुन गंदारा हिंदको बोर्ड पाकिस्तान जिन्हें सुन इस महफिल का मुनक्द किया है उन्होंने मैं शुक्रिया अदा करनी हाँ कि तुम सारे आयो अज का दिहाड़ा तुम सुन अपनी माँ बोली जबान वास्ते वक्त किया है। और यकीन असं अपने जिंदगी का झांसा जरा वह है वो झांसे कम से वक्त करने लेकिन उस असं अपनी तहजीब अपनी सकाफत अपने कल्चर अप्रोप देने कितना कुछ किरदार अदा करने इसे असं मूँह कट सोचते हैं। जबान के जबान उ जी असं सुनते हैं बोलते हैं समझते हैं जबान हो जिस असं पहला लफ्ज जरा सुनने जिसकी असं समझ आती है जबान हो जिस असंकी माँ असं गल करती है। और यकीन वह जबान जिस असंकी माँ अस गल करती है उस तो ज्यादा अजीज असा कोई जबान कोई लहजा नहीं मांगता। और इस जबान असं सुन आने वाली नसल तक नहीं पहुँचाना है असं फख्र होना चाहिए कि असंकी जबान जी है वो बहुत पुरानी जबान है बहुत कदीम जबान है इसकी एक तहजीब है इसकी एक सकाफत है इस जबान में वो लफ्ज शामिल जड़े कि उस कदीम तहजीब में बोले जुड़ते हैं अज असल लहजे मुख्तलिफ हों पर इसकी मिठास किरे भी घट है अपनी जबान आ इसके लहजे आ इसकी मिठास आ असा सुन कैम रखना है असा दुनिया जबाना तो उन्होंने लफ्जा अपनी जबान में आना है पर असा किरे भी नहीं मुकाना क्योंकि कौम लड़ने असूल है कि जी कौम अपने माहौल नाल मुताबिक नहीं रखती वो मुख चुलती है बिल्कुल उसी तरह जिन्हें जबान बोलने वाले मुख चुलते हैं वो जबान भी आस्ता आस्ता मुख चुलती है असा सुन आने वाले पहले बच्चे अपनी जबान कहना है यही असल इस जी कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद। बहुत शुक्रिया।